उसने कल रात नए रेस्टोरेंट में खाना खाया है। ही एट डिनर एट द न्यू रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। उसने कल रात नए रेस्टोरेंट में खाना खाया। ही एट डिनर एट द न्यू रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। मैं हर शाम अपने दोस्त के घर जाता हूँ और गाना गाता हूँ। आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस एवरी इवनिंग एंड सिंग अ सॉन्ग। मैं हर शाम अपने दोस्त के घर जाता हूँ और गाना गाता हूँ। आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस एवरी इवनिंग एंड सिंग अ सॉन्ग। वो कहाँ गया है आपको पता है? वे डिड ही गो डू यू नो? वो कहाँ गया है आपको पता है? वे डिड ही गो डू यू नो? तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम्हें जिम जाना चाहिए। यू आर गेनिंग वेट, यू शुड गो टू द जिम। तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम्हें जिम जाना चाहिए। यू आर गेनिंग वेट, यू शुड गो टू द जिम। वे 5 सालों से इस शहर में रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर्स। वे 5 सालों से इस शहर में रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर्स। कल मेरा दोस्त आ रहा है और हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं। टुमारो माई फ्रेंड इज़ कमिंग एंड वी आर गोइंग टू विजिट दिल्ली। कल मेरा दोस्त आ रहा है और हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं। टुमारो माई फ्रेंड इज़ कमिंग एंड वी आर गोइंग टू विजिट दिल्ली। बाहर भारी बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड। बाहर भारी बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड। मुझे कुछ याद आ गया, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। आई जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। मुझे कुछ याद आ गया, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। आई जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। हम हमेशा हफ्ते के अंत में फिल्में देखते हैं। वी यूजुअली वॉच मूवीज़ ऑन वीकेंड्स। हम हमेशा हफ्ते के अंत में फिल्में देखते हैं। वी यूजुअली वॉच मूवीज़ ऑन वीकेंड्स। वह रसोई में रात का खाना बना रहा है। ही इज़ कुकिंग डिनर इन द किचन। वह रसोई में रात का खाना बना रहा है। ही इज़ कुकिंग डिनर इन द किचन। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। वट एवर हैपन्स यू विल हैव टू गो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। वट एवर हैपन्स यू विल हैव टू गो। चलो रविवार को पिकनिक पर जाए। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। चलो रविवार को पिकनिक पर जाए। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट फॉर द मीटिंग। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। आई एम रनिंग लेट फॉर द मीटिंग। मैं अपनी चाबियां घर पर भूल गया। आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। मैं अपनी चाबियां घर पर भूल गया। आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? आप रोज़ाना टीवी देखते देखते सो जाते हैं और टीवी चालू ही रहता है। यू फॉल अस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी एवरी डे एंड द टीवी रिमेन्स ऑन। आप रोज़ाना टीवी देखते देखते सो जाते हैं और टीवी चालू ही रहता है। यू फॉल अस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी एवरी डे एंड द टीवी रिमेन्स ऑन। क्या तुम्हें खाना पकाना पसंद है? डू यू लाइक टू कुक? क्या तुम्हें खाना पकाना पसंद है? डू यू लाइक टू कुक? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलो। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू रिपीट दैट? माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलो। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू रिपीट दैट? इस तरह की समस्या दोबारा आने की संभावना है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज लाइकली टू रिकर। इस तरह की समस्या दोबारा आने की संभावना है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज लाइकली टू रिकर। मुझे किसी के गिरने की आवाज़ आई। आई हर्ड समवन फॉलिंग। मुझे किसी के गिरने की आवाज़ आई। आई हर्ड समवन फॉलिंग। बहुत ज़्यादा शोर के कारण मुझे नींद नहीं आई। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ टू मच नॉइज़। बहुत ज़्यादा शोर के कारण मुझे नींद नहीं आई। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ टू मच नॉइज़। मेरे मोजे पुराने होकर फट गए हैं। माई सॉक्स आर ओल्ड एंड टर्न। मेरे मोजे पुराने होकर फट गए हैं।
माई सॉक्स आर ओल्ड एंड टॉर्न। तुम्हारी हड़बड़ी के कारण मैंने खाना नहीं खाया। आई हैवन्ट ईटन बिकॉज ऑफ योर बिग फस। तुम्हारी हड़बड़ी के कारण मैंने खाना नहीं खाया। आई हैवन्ट ईटन बिकॉज ऑफ योर बिग फस। मैं चलते चलते ठोकर खाकर गिर गई। आई स्टम्बल्ड एंड फेल वाइल वॉकिंग। मैं चलते चलते ठोकर खाकर गिर गई। आई स्टम्बल्ड एंड फेल वाइल वॉकिंग। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया मुझे गर्मी लगने लगी। एज सुन एज आई स्टार्टेड वॉकिंग आई स्टार्टेड फीलिंग हॉट। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया मुझे गर्मी लगने लगी। एज सुन एज आई स्टार्टेड वॉकिंग आई स्टार्टेड फीलिंग हॉट। वह मुझे देखकर छिप गई। शी हिड आफ्टर सीइंग मी। वह मुझे देखकर छिप गई। शी हिड आफ्टर सीइंग मी। मुझे हर थोड़ी देर में टाइम देखने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग द टाइम एवरी वंस इन अ वाइल। मुझे हर थोड़ी देर में टाइम देखने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग द टाइम एवरी वंस इन अ वाइल। ठंड के दिनों में मुझे प्यास नहीं लगती है। आई डोंट फील थर्स्टी ऑन कोल्ड डेज। ठंड के दिनों में मुझे प्यास नहीं लगती है। आई डोंट फील थर्स्टी ऑन कोल्ड डेज। ठंड के दिनों में मैं गर्म पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक हॉट वाटर ऑन कोल्ड डेज। ठंड के दिनों में मैं गर्म पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक हॉट वाटर ऑन कोल्ड डेज। वह खबर सुनकर हैरान रह गई। शी वॉज अमेज्ड बाई द न्यूज़। वह खबर सुनकर हैरान रह गई। शी वॉज अमेज्ड बाई द न्यूज़। लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम। लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम। मुझे नहीं लगता कल बारिश होगी। आई डोंट थिंक इट विल रेन टुमारो। मुझे नहीं लगता कल बारिश होगी। आई डोंट थिंक इट विल रेन टुमारो। तुम कॉलेज जाकर क्या करोगे। वॉट विल यू डू वेन यू गो टू कॉलेज। तुम कॉलेज जाकर क्या करोगे। वॉट विल यू डू वेन यू गो टू कॉलेज। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। वॉट इज़ देयर टू स्पॉइल माइंड। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। वॉट इज़ देयर टू स्पॉइल माइंड। हर तरफ इतना भारी शोर शराबा क्यों है। वाई इज़ देयर सो मच नॉइज़ एवरीवेयर। हर तरफ इतना भारी शोर शराबा क्यों है। वाई इज़ देयर सो मच नॉइज़ एवरीवेयर। क्या आप मुझसे और कुछ पूछना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू आस्क मी एनीथिंग एल्स। क्या आप मुझसे और कुछ पूछना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू आस्क मी एनीथिंग एल्स। कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फूल। कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फूल। मैंने तो उससे बात तक नहीं की। आई डिड नॉट इवन टॉक टू हिम। मैंने तो उससे बात तक नहीं की। आई डिड नॉट इवन टॉक टू हिम। उसने कोई बहाना बना लिया। ही मेड अप एन एक्सक्यूज। उसने कोई बहाना बना लिया। ही मेड अप एन एक्सक्यूज। मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस मूवी। मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस मूवी। आप कितनी देर में खाना बना दोगे। इन हाउ मच टाइम विल यू कुक द फूड। आप कितनी देर में खाना बना दोगे। इन हाउ मच टाइम विल यू कुक द फूड। मैंने किताब को उल्टा कर दिया। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। मैंने किताब को उल्टा कर दिया। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया है। माई फ़ोन हैज़ गॉट अ स्क्रैच। मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया है। माई फ़ोन हैज़ गॉट अ स्क्रैच। ऐसा लगता है कि आप इसे हल्के में ले रहे हैं। इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग इट लाइटली। ऐसा लगता है कि आप इसे हल्के में ले रहे हैं। इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग इट लाइटली। मैं अब और नहीं खा सकता। आई कांट ईट एनी मोर। मैं अब और नहीं खा सकता। आई कांट ईट एनी मोर।
मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर यू। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर यू। मेरी सलाह को उसने नज़रअंदाज कर दिया, ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस। मेरी सलाह को उसने नज़रअंदाज कर दिया, ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस। उसे किसी ने चूना लगा दिया, समवन पाम्ड हर ऑफ। उसे किसी ने चूना लगा दिया, समवन पाम्ड हर ऑफ। मैं कभी मजाक नहीं करता, आई नेवर एक्ट द गोट। मैं कभी मजाक नहीं करता, आई नेवर एक्ट द गोट। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। उसे यहाँ आने के लिए कहो, आस्क हिम टू कम हियर। उसे यहाँ आने के लिए कहो, आस्क हिम टू कम हियर। कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल दो, हैंग आउट द क्लोथ्स। कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल दो, हैंग आउट द क्लोथ्स। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव बीन हियर। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव बीन हियर। मैंने अपनी शर्ट से धूल हटाई, आई रिमूव द डस्ट फ्रॉम माई शर्ट। मैंने अपनी शर्ट से धूल हटाई, आई रिमूव द डस्ट फ्रॉम माई शर्ट। वह चुगली करने में माहिर है, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग। वह चुगली करने में माहिर है, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग। वह बहाने बनाने में माहिर है, ही इज़ अ मास्टर ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज। वह बहाने बनाने में माहिर है, ही इज़ अ मास्टर ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फॉर इट। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फॉर इट। कई सालों से हम अच्छे साथी हैं, वी आर क्लोज कंपेनियन फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों से हम अच्छे साथी हैं, वी आर क्लोज कंपेनियन फॉर सेवरल ईयर्स। आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। मुश्किल से कभी मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, आई हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुश्किल से कभी मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, आई हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसने अपनी उंगली गेट में दबा दी, ही प्रेस्ड हिज फिंगर इन टू द गेट। उसने अपनी उंगली गेट में दबा दी, ही प्रेस्ड हिज फिंगर इन टू द गेट। वो मेरे साथ जाने की सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग विथ मी। वो मेरे साथ जाने की सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग विथ मी। मैं आपके हर सपने को पूरा करूँगा, आई विल फुलफिल योर एवरी ड्रीम। मैं आपके हर सपने को पूरा करूँगा, आई विल फुलफिल योर एवरी ड्रीम। इस बार हर जगह बहुत कोहरा है, दिस टाइम देर इज़ अ लॉट ऑफ फॉग एवरीवेयर। इस बार हर जगह बहुत कोहरा है, दिस टाइम देर इज़ अ लॉट ऑफ फॉग एवरीवेयर। अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू कन्विंस हिम। अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू कन्विंस हिम। घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग अ केजी ऑफ सुगर वाइल कमिंग होम। घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग अ केजी ऑफ सुगर वाइल कमिंग होम। पता नहीं तुम्हारी दिक्कत क्या है, डोंट नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़। पता नहीं तुम्हारी दिक्कत क्या है, डोंट नो वॉट योर प्रॉब्लम इज। पता नहीं तुम इतना डरते क्यों हो, डोंट नो वाई यू फियर सो मच। पता नहीं तुम इतना डरते क्यों हो, डोंट नो वाई यू फियर सो मच। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, नाउ डेज पीपल फील शाई ऑफ स्पीकिंग हिंदी। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, नाउ डेज पीपल फील शाई ऑफ स्पीकिंग हिंदी। पड़ोसियों के बच्चों ने अपने घर में उछल कूद मचा रखी है, नेवर्स चिल्ड्रन आर रॉम्पिंग अराउंड देयर हाउस। पड़ोसियों के बच्चों ने अपने घर में उछल कूद मचा रखी है, नेवर्स चिल्ड्रन आर रॉम्पिंग अराउंड देयर हाउस। उसे लगता है उसे उस लड़की की मदद करनी चाहिए, ही थिंक्स ही शुड हेल्प दैट गर्ल। उसे लगता है उसे उस लड़की की मदद करनी चाहिए, ही थिंक्स ही शुड हेल्प दैट गर्ल।
कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे। आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज जाने के बहाने मैंने पैसे मांगे। आई आस्क्ड फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। अब हम दोस्त नहीं हैं, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। अब हम दोस्त नहीं हैं, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है। शी इज़ इनवर्डली प्रेइंग टू गॉड। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है। शी इज़ इनवर्डली प्रेइंग टू गॉड। तुम्हें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। यू शुड वर्क समवेयर आर द अदर। तुम्हें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। यू शुड वर्क समवेयर आर द अदर। मुझे बासी खाना मत खिलाओ। डोंट फीड मी स्टेल फूड। मुझे बासी खाना मत खिलाओ। डोंट फीड मी स्टेल फूड। तुम्हें टाइम से आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम। तुम्हें टाइम से आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम। बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रही थी। डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग। बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रही थी। डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग। मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आई कांट रैप माई हेड अराउंड। मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आई कांट रैप माई हेड अराउंड। तुम किसके कहने पर वहाँ गए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर। तुम किसके कहने पर वहाँ गए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर। तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ। तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ। मैं बहुत कम जंक फूड खाती हूँ। आई हार्डली ईट जंक फूड। मैं बहुत कम जंक फूड खाती हूँ। आई हार्डली ईट जंक फूड। लगता नहीं कि वो खुश होगी। इट डज नॉट सीम दैट शी इज़ हैप्पी। लगता नहीं कि वो खुश होगी। इट डज नॉट सीम दैट शी इज़ हैप्पी। पता नहीं ये कैसे हो गया। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड। पता नहीं ये कैसे हो गया। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड। थोड़ा मुझे भी दो। गिव मी सम एज वेल। थोड़ा मुझे भी दो। गिव मी सम एज वेल। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नो वन एल्स शुड नो अबाउट इट। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नो वन एल्स शुड नो अबाउट इट। क्या उसने तुम्हें बिना किसी वजह के पीटा। डिड ही बीट यू विदाउट अ रीज़न। क्या उसने तुम्हें बिना किसी वजह के पीटा। डिड ही बीट यू विदाउट अ रीज़न। जब तक तुम घर पहुँचोगे डिनर तैयार हो जाएगा। बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी। जब तक तुम घर पहुँचोगे डिनर तैयार हो जाएगा। बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक। भले ही आप मुझे मार दो, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। इवन इफ़ यू किल मी आई विल नॉट अटर एनी वर्ड। भले ही आप मुझे मार दो, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। इवन इफ़ यू किल मी आई विल नॉट अटर एनी वर्ड। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इलोंगेट द मैटर। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इलोंगेट द मैटर। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। चलो छोड़ो, मैं यह खुद कर लूँगा। लेट्स लीव इट आई विल डू इट माई सेल्फ। चलो छोड़ो, मैं ये खुद कर लूँगा। लेट्स लीव इट आई विल डू इट माई सेल्फ। चलो छोड़ो, ये बताओ घर पर सब कैसे हैं। लेट्स लीव इट टेल मी हाउ इज़ एवरी वन एट होम। चलो छोड़ो, ये बताओ घर पर सब कैसे हैं। लेट्स लीव इट टेल मी हाउ इज़ एवरी वन एट होम। आखिरकार उसने मेरी बात समझ ली। फाइनली ही अंडरस्टूड माई पॉइंट। आखिरकार उसने मेरी बात समझ ली। फाइनली ही अंडरस्टूड माई पॉइंट। तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी।
मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड। मैं यह तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड। मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। आई हैव कैंसल्ड माई ट्रिप। मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। आई हैव कैंसल्ड माई ट्रिप। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ माइजर। आई कैन स्पेंड मनी। मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ माइजर। आई कैन स्पेंड मनी। कई लोग गरीबी में रहते हैं। मैनी पीपल लिव इन पोवर्टी। कई लोग गरीबी में रहते हैं। मैनी पीपल लिव इन पोवर्टी। तुम्हारे बालों का स्टाइल बहुत ही सुंदर है। योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट। तुम्हारे बालों का स्टाइल बहुत ही सुंदर है। योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट। वह चुगली करने में माहिर है। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग। वह चुगली करने में माहिर है। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग। वह बिना किसी दिखावा के अच्छी अंग्रेजी बोलती है। शी स्पीक्स गुड इंग्लिश विदाउट एनी अफेक्टेशन। वह बिना किसी दिखावा के अच्छी अंग्रेजी बोलती है। शी स्पीक्स गुड इंग्लिश विदाउट एनी अफेक्टेशन। वह घमंडी स्वर में बोला। ही स्पोक इन अ हार्टी टोन। वह घमंडी स्वर में बोला। ही स्पोक इन अ हार्टी टोन। नेहा एक बातूनी लड़की है। नेहा इज़ अ चैटर बॉक्स गर्ल। नेहा एक बातूनी लड़की है। नेहा इज़ अ चैटर बॉक्स गर्ल। वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज़ ट्राइंग टू डिमीन मी। वह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज़ ट्राइंग टू डिमीन मी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने जॉब क्यों छोड़ी। आई कांट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब। आई कांट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब। क्या तुम मुझे इस मामले का पता लगाने दोगे। विल यू लेट मी फिगर आउट दिस मैटर। क्या तुम मुझे इस मामले का पता लगाने दोगे। विल यू लेट मी फिगर आउट दिस मैटर। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। वी कान डू एनी थिंग इन सच अ सिचुएशन। ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। वी कान डू एनी थिंग इन सच अ सिचुएशन। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सका। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सका। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट। क्या तुमने कुछ कहा। डू यू से समथिंग। क्या तुमने कुछ कहा। डू यू से समथिंग। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड सो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड सो। कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ। टू सम एक्सटेंट आई एग्री विथ यू। कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ। टू सम एक्सटेंट आई एग्री विथ यू। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। आई मेड अ मिस्टेक बाई कमिंग हेयर। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। आई मेड अ मिस्टेक बाई कमिंग हेयर। आप बच्चों को फ़ोन देकर गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बाई गिविंग फोन्स टू योर चिल्ड्रेन। आप बच्चों को फ़ोन देकर गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बाई गिविंग फोन्स टू योर चिल्ड्रेन। क्या पता वो आएगा या नहीं। हु नोज वेदर ही विल कम आर नॉट। क्या पता वो आएगा या नहीं। हु नोज वेदर ही विल कम आर नॉट। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग। तुम्हारी यहाँ सख्त ज़रूरत है। यू आर डेस्परेटली नीडेड हियर। तुम्हारी यहाँ सख्त ज़रूरत है। यू आर डेस्परेटली नीडेड हियर। जब तक मैं ना कहूँ कुछ बोलना मत। डोंट से एनी थिंग अनटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना कहूँ कुछ बोलना मत। डोंट से एनी थिंग अनटिल आई टेल यू। मेरा फ़ोन मेरे पास लाओ। गेट माई फोन टू मी। मेरा फ़ोन मेरे पास लाओ। गेट माई फोन टू मी। कम से कम एक बार तो आओ। कम एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो आओ।
कम एटलीस्ट वंस। तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा था? वॉट डिड यू फील लाइक ईटिंग? तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा था? वॉट डिड यू फील लाइक ईटिंग? मैं हल्का बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मैं हल्का बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह खरीदूँगा। कम वॉट मे आई विल बाई इट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह खरीदूँगा। कम वॉट मे आई विल बाई इट। ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। कीप अप द गुड वर्क। ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। कीप अप द गुड वर्क। सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट ऑन हियर से। सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट ऑन हियर से। कभी कभी चुप रहना ठीक है। इट्स ओके टू बी साइलेंट समटाइम्स। कभी कभी चुप रहना ठीक है। इट्स ओके टू बी साइलेंट समटाइम्स। तुम्हारी बातों से वह चिढ़ गया। ही गॉट इरीटेटेड बाई योर वर्ड्स। तुम्हारी बातों से वह चिढ़ गया। ही गॉट इरीटेटेड बाई योर वर्ड्स। तुम रहने दो मैं उसको समझा दूंगा। यू लेट इट बी आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। तुम रहने दो मैं उसको समझा दूंगा। यू लेट इट बी आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। मन करता है कि तुम्हें खूब पीटूँ। आई फील लाइक बीटिंग यू अलॉट। मन करता है कि तुम्हें खूब पीटूँ। आई फील लाइक बीटिंग यू अलॉट। सरकार को सड़कें बनानी पड़ेगी। द गवर्नमेंट विल हैव टू बिल्ड द रोड्स। सरकार को सड़कें बनानी पड़ेगी। द गवर्नमेंट विल हैव टू बिल्ड द रोड्स। मैं स्कूल जाने से पहले नहा लूँगा। आई विल हैव अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाने से पहले नहा लूँगा। आई विल हैव अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। दरवाजे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अ कोल्ड ब्रीज इज ड्रिफ्टिंग थ्रू द डोर। दरवाजे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अ कोल्ड ब्रीज इज ड्रिफ्टिंग थ्रू द डोर। वह खुशी खुशी मुझसे पैसे लेने को तैयार हो गया। ही हैप्पीली एग्रीड टू टेक द मनी फ्रॉम मी। वह खुशी खुशी मुझसे पैसे लेने को तैयार हो गया। ही हैप्पीली एग्रीड टू टेक द मनी फ्रॉम मी। ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी। आई हैड टू टॉक टू हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी। आई हैड टू टॉक टू हिम अनविलिंगली। तुम यहीं रुको मैं अभी आई। यू स्टे हियर आई विल बी राइट बैक। तुम यहीं रुको मैं अभी आई। यू स्टे हियर आई विल बी राइट बैक। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। आखिरकार उसने मेरी बात समझ ही ली। फाइनली ही अंडरस्टूड माई पॉइंट। आखिरकार उसने मेरी बात समझ ही ली। फाइनली ही अंडरस्टूड माई पॉइंट। मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड। मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इफ़ यू डोंट हरी वी विल मिस आवर ट्रेन। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इफ़ यू डोंट हरी वी विल मिस आवर ट्रेन। तुम कल रात रेडियो को बंद करना भूल गए थे ना। लास्ट नाइट यू फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द रेडियो डिडेंट यू। तुम कल रात रेडियो को बंद करना भूल गए थे ना। लास्ट नाइट यू फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द रेडियो डिडेंट यू। मैं घंटों तक उस चाबी को ढूंढता रहा जिसे मैंने खो दिया था। आई स्पेंड आवर्स लुकिंग फॉर द की दैट आई हैड ड्रॉप्ड। मैं घंटों तक उस चाबी को ढूंढता रहा जिसे मैंने खो दिया था। आई स्पेंड आवर्स लुकिंग फॉर द की दैट आई हैड ड्रॉप्ड। क्या तुम्हारे आसपास कोई है? इज एनीबडी अराउंड यू। क्या तुम्हारे आसपास कोई है? इज एनीबडी अराउंड यू। खाना खाकर मुझसे बात करना। टॉक टू मी आफ्टर हैविंग फूड। खाना खाकर मुझसे बात करना। टॉक टू मी आफ्टर हैविंग फूड। जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता।
आई कांट फॉरगिव यू फॉर वॉट यू डिड, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। आई कांट फॉरगिव यू फॉर वॉट यू डिड, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। दिस विल नेवर हैपन इन माई लाइफ टाइम, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। दिस विल नेवर हैपन इन माई लाइफ टाइम। ऐसा लगता है कि आप मेरी बात समझे नहीं। इट सीम्स दैट यू डिड नॉट गेट माई पॉइंट, ऐसा लगता है कि आप मेरी बात समझे नहीं। इट सीम्स दैट यू डिड नॉट गेट माई पॉइंट, ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। इट सीम्स दैट यू डोंट बिलीव मी, ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। इट सीम्स दैट यू डोंट बिलीव मी, मैं गलती से रस्सी को सांप समझा। आई टुक द रोप फॉर अ स्नेक, मैं गलती से रस्सी को सांप समझा। आई टुक द रोप फॉर अ स्नेक। वे गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए। फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, वे गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए। फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। देर वॉज नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। देर वॉज नो अदर ऑप्शन। फ़ोन बार बार कट रहा था। द फोन वॉज गेटिंग डिसकनेक्टेड रिपीटेडली, फ़ोन बार बार कट रहा था। द फोन वॉज गेटिंग डिसकनेक्टेड रिपीटेडली, उसे बात ही नहीं हो पा रही थी। इट वॉज अनेबल टू टॉक टू हिम, उसे बात ही नहीं हो पा रही थी। इट वॉज अनेबल टू टॉक टू हिम, पाइप से पानी टपक रहा है। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप, पाइप से पानी टपक रहा है। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप। ध्यान से, बाहर कुत्ता भौंक रहा है। बी केयरफुल द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, ध्यान से, बाहर कुत्ता भौंक रहा है। बी केयरफुल द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो। यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल, तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो। यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। अपने तक रखो यह बात, किसी को भी मत बताना। कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट टेल एनी वन, अपने तक रखो यह बात, किसी को भी मत बताना। कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट टेल एनी वन। ट्रांसलेट इट, बहाने मत बनाओ। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।